यूपी की सियासत की कभी धुरंधर रही मायावती को चुनाव में एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ रहा है। बसपा का जनाधार भी चुनाव दर चुनाव दूसरे दलों की ओर खिसकता जा रहा है। यानी इस वक्त बीएसपी राजनीति के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। निकाय चुनाव में पार्टी ने दलित मुस्लिम गठजोड़ पर दांव आजमाया था, हालांकि वो भी बुरी तरह से फेल हो गया। ऐसे में बसपा चीफ मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की और हार पर मंथन से ज्यादा खोए हुए सियासी आधार को पाने और दोबारा जनता का विश्वास पाने की रणनीति पर चर्चा की। समीक्षा बैठक में बसपा सुप्रीमो ने गांव-गांव वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा अभियान को चलाने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की। गौरतलब है कि निकाय के बाद बसपा चिंता में डूबी हुई है। ऐसे में चर्चा ये भी हो रही है कि क्या लोकसभा चुनाव में दोबारा से खड़े होने के लिए बसपा अकेले चलो नीति पर कायम रहेगी या फिर एक गठबंधन के सहारे आगे बढ़ने के लिए कदम उठाएगी। बता दें कि कभी दलित ब्राह्मण और दलित मुस्लिम वोट बैंक के जरिए सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाली बसपा का ये फॉर्मूला अब काम नहीं आ रहा है। विधानसभा चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव, दोनों में ही बसपा के कोर वोट बैंक ने उन्हें वोट नहीं दिया है। निकाय चुनाव में दलित मुस्लिम कार्ड खेलते हुए बसपा ने मेयर की 17 सीटों में से 11 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट तो दिया, लेकिन मायावती का ये दांव भी पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। इतना ही नहीं, बसपा ने इस बार अपनी 2 मेयर सीटें भी गंवा दी है। नगर निगम में ही नहीं बल्कि नगर पालिका और नगर पंचायत में भी बसपा की सीटें घट गई है। बहरहाल बसपा को मिली चुनावी शिकस्त के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का विश्वास भी डगमगाने लगा है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि लोकसभा चुनाव तक बीएसपी किस रणनीति के तहत खोया हुआ जनाधार वापस लाती है या फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए वो गठबंधन का सहारा लेती है। फिलहाल लोकसभा चुनाव में बसपा अकेले लड़ती है या फिर गठबंधन में, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप चूक ना जाएं।